वेलकम स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही बेहतरीन क्लास एक टेस्ट के साथ ठीक है दोस्तों तो आज हम लोग इस क्लास में इस वीडियो में टेस्ट के बारे में जानेंगे लेकिन टेस्ट को देने से पहले आप सभी दोस्तों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पहली बार आप हमारे साथ इस चैनल पर विज़िट किए हैं तो भाई आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि फटाफट फड़ वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के पास आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो शेयर कीजिए अगर वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा अगर अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा ठीक है जी और पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करेंगे आज की क्लास ताकि दोस्तों आप फटाफट टेस्ट दीजिए तो टेस्ट में पहले आप क्या क्या चीज़ें आज आपको मिलने वाली हैं तो इंग्लिश ग्रामर के टेस्ट में आपको मिलेगा नरेशन मिलेगा वायस मिलेगा डिग्री मिलेगा और ट्रांसफॉर्मेशन इन सभी से रिलेटेड आपको आज टेस्ट में वीडियो मिलने वाली है ठीक है जी तो आज आप इन सभी का दीजिए नरेशन आप दीजिए अगर अपने आप को नरेशन में खूब तेज समझते हैं तो नरेशन भी आपके आपको इसमें मिलने वाले हैं अगर वायस आपको समझ कि मुझे वायस बहुत अच्छे से आते तो भाई मेरे वायस भी है डिग्री है ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ तक कि सिंटैक्स भी मिलने वाला है और ये सभी हम एक छोटे से टेस्ट के माध्यम से जानेंगे जी एक छोटे से टेस्ट के माध्यम से जानेंगे और ये टेस्ट बता देगा कि आपकी योग्यता क्या है आज आप अपनी योग्यता को जानिए और ये इंग्लिश ग्रामर सभी बोर्ड के लिए है यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए है सीबीएसई के हैं आईसीएसई के हैं आल किसी भी बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं तो ये टेस्ट आप सभी लोगों के लिए है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन ठीक है जी तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है बात करेंगे टेस्ट का ठीक है जी क्या है ये हमारा टेस्ट टी ई एस टी ये हो गया हमारा टेस्ट और देखने में यार बहुत खराब चीज लगता है टेस्ट लेकिन चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पूरे टेन क्वेश्चन आपको मिलेंगे और पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कर रहा है द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल सेड टू द कलर्क कामा इन वोटेकॉमा में हैव यू सेंट माई लेटर क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज पहला क्वेश्चन है इंटरोगेटिव है द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क कामाइनोटे कामा में हैव यू सेंट माई लेटर ओके जी और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मदर सेड टू मी कामा कामा डिड यू गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कामा कॉमा क्लोज सेकेंड है मदर सेड टू मी कामा नोटे कामा डिड यू गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कामा कॉमा क्लोज ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड uh, क्वेश्चन इसको सिंपल सेंटेंस में आपको कंबाइन करने हैं जी जोड़ने हैं तो जो पहले आप दो क्वेश्चन के आंसर बताइए नरेशन की बात कर रहे हैं द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क नोट कामा हैव यू सेंट माई लेटर क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट कर रहा है मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क ये दो क्वेश्चन हैं और जितने लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को जब भी आप देख रहे हैं जहाँ पर भी देख रहे हैं आप आंसर देने का प्रयास कीजिए और ये वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो को आप किस ज़िले से देख रहे हैं भाई टेन क्वेश्चन है आपके सामने आल बोर्ड्स के लिए ये टेस्ट लिया जा रहा है यूपी बोर्ड हो सी बोर्ड हो आई हो क्लास नाइन टू ट्वेल्थ है अगर सिक्स सेवन एड के भी स्टूडेंट अगर वो इसकी स्टडी किए हैं तो आप इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं ठीक है जी बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा क्वेश्चन नंबर वन और टू हमने आपको बता रखा है है ना जी वन और टू मैंने आपको बता दिया है अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ थर्ड रहा है आई सा गर्ल फुल स्टॉप सी वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल इसको सिंपल सेंटेंस में आपको ऐड करने हैं ठीक है जी सिंपल सेंटेंस में आप इसको ऐड कर दीजिए और वन टू थ्री क्वेश्चन आप दीजिए और कितना आपने सही किया है मैं आपको लास्ट में आंसर भी बताता चलूँगा आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी अपना देखते चलिएगा ठीक है जी तो क्वेश्चन कराए आई सा गर्ल सी वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल ठीक है जी तो आंसर देते चलिएगा क्वेश्चन नंबर फोर कर रहा है गोल्ड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इसको पॉजिटिव डिग्री में आपको चेंज करने हैं जी तो बताइए देखते हैं किसके कितने आंसर सही होते हैं ठीक है जी थर्ड नंबर कर रहा है आई सा अ गर्ल फुल स्टॉप सी वॉज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल इसको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने हैं फोर कर रहा है गोल्ड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल पॉजिटिव डिग्री बनाना है और फाइव नंबर कर रहा है ही इज टू पुअर टू बाई बुक्स इसको रिमूव टू करना है जी इसमें से टी डबल ओ टी ओ टू को रिमूव कर देना है हटा देना है तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है बस जरूरत है आपको इसे बताने की कि अब आप इसे कैसे बता सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर फाइव अभी तक आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है अब आप लोग मुझे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर एक साथ बता दीजिए और लगातार मैं भी आप सभी के आंसर कमेंट में चेक कर रहा हूँ देख भी रहा हूँ आपके क्या आंसर है राइट है रॉन्ग है मेरी तरफ से आपको जवाब भी आ रहा है तो फिलहाल फाइव क्वेश्चनस मैंने आपको बताए हैं ठीक है वन टू थ्री फोर और फाइव ये फाइव क्वेश्चन है जिसमें से वन नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेकेंड नंबर इज़ आल्सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड सिंपल सेंटेंस कंबाइन करने हैं आज जी आपको और फोर नंबर आपका पॉजिटिव डिग्री है फाइव नंबर रिमूव टू है तो अब इन पांच सेंटेंस के आप मुझे आंसर कमेंट में कमेंट करके बताइए और लगातार मैं आप सभी के कमेंट्स को रीड कर रहा हूँ क्या आंसर आपके द्वारा आ रहे हैं मैं लगातार आपके आंसर को रीड कर रहा हूँ देख भी रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर हेल्पिंग वर्ब कामा इनोटे कामा के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर चाहे सेड आए या सेड टू उसके स्थान पर हम आस्कड का यूज करते हैं कंजक्शन डैट के स्थान पर हम इफ़ का यूज कर करते हैं ठीक है जी और सिंपल सेंटेंस में जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो क्या चीज़ मैंने ये सभी चीज़ें बता रखा है पॉजिटिव डिग्री में क्या है सब्जेक्ट के साथ अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो क्या चीज़ से होगा अगर वो अल्ली सब्जेक्ट है तो किससे शुरू करते हैं ये भी मैंने आपको बताया है बात करेंगे अगर रिमूव टू का तो रिमूव टू में टी डबल ओ के स्थान पर क्या लगेगा टी ओ टू के स्थान पर क्या लगेगा ये भी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है ठीक है जी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स भी वॉइस है और सिक्स कर रहा है ओपन योर बुक पैसिव वॉइस चलिए जी इम्परेटिव सेंटेंस से आ गया ये ये इम्परेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन है ओपन योर बुक इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है अब पैसी वैस में आप इसे किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं अब ये भली भांति आप जानते होंगे इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस में प्राय सब्जेक्ट को छिपा दिया गया रहता है ठीक है जी वर्ब से आपके स्टार्ट होते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम एल ए टी लेट से स्टार्ट करते हैं इतना तो बहुत है आपके लिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस डू नॉट इंसल्ट द वीक या इसी को हम पढ़ते हैं डोंट डोंट इंसल्ट द वीक चाहे डू नॉट कर लीजिए या डोंट कर लीजिए तो अगर आपके पास बुक होंगे क्वेश्चन बैंक होंगे कुछ भी होंगे तो आपको इसमें डोंट ऐसे करके के क्वेश्चन मिलेगा डोंट इंसल्ट द वीक पैसिव वाइज इस तरह से आपको चेंज करने को दिखता होगा तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस में एम्परेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंसों में जब निगेटिव सेंटेंस होता है ओके जी ध्यान सुनिएगा जब इम्परेटिव सेंटेंस होता है और वो भी निगेटिव हो तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है और थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का यूज करते हैं तो अब देखते हैं किसका आंसर आ रहा है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ एट भी हमारा पैसिव वॉइस है एट भी पैसिव आयस है कर आए हु रोट लेटर्स ये भी पैसिव आयस है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई अगर पैसिव आयस की बात कर लें तो अगर डब्ल्यू एच ओ जो बाई होम से क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन की बात कर ले तो हु तो तो टॉट यू इंग्लिश इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हम आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन पूछ लेगा हु टॉट यू English ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हु टॉट यू English बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है आपको कन्फ्यूज करने के लिए और यही जो टॉट होता है ना जी यहीं पर टीचर्स भी कभी पूछ देता है हु टीचर्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे देगा या verb का सेकेंड फॉर्म तो ऐसे सेंटेंसों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यदि आपको ये दोनों सेंटेंस का आंसर नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं आपको अच्छे से बार समझा ठीक है फ़िलहाल तो आप क्वेश्चन नंबर एट का जवाब दीजिए हु रोट लेटर्स ऐसे सेंटेंस का आंसर किस प्रकार से आएगा अगर नहीं आ रहा है आपको हु टॉट यू इंग्लिश या हु टीचेस यू इंग्लिश तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जितने स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर मुझे इसका भी आंसर आ रहा है तो आपका वेलकम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका भी आंसर दे सकते हैं हु टॉट यू इंग्लिश और हु टीचेस यू इंग्लिश दोनों का जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर दे सकते हैं ठीक है जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन कर आए कि हिज हेयर्स आर ग्रे हिज हेयर्स आर ग्रे सिंटैक्स है जी सिंटैक्स में होता है क्या है कि कुछ आपको इसमें से मिसिंग वर्ड कभी आपको आर्टिकल हो जाता है कभी हेल्पिंग वर्ड हो जाता है कुछ इसमें से मिसिंग रहेगा या कुछ एक्स्ट्रा एड कर दिया जाता है अब वहाँ पर आपको क्या एक्स्ट्रा है क्या चीज़ में होना चाहिए इसमें हेयर्स में यश लगा रहना चाहिए कि यहाँ पर आर मिस्टेक्स हो गया इज होना चाहिए क्या है अब सिंटैक्स में आपको यही सभी चीज़ों पर ध्यान देना है तो हिज हेयर्स आर ग्रे होगा या हिज हेयर्स इज ग्रे होगा या हिज हेयर आर ग्रे होगा क्या आंसर होगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन करा है इकोनॉमिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट इसको भी सेंटेक्स में चेंज करना है इकोनॉमिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट अब इसमें क्या मिस्टेक है इकोनॉमिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट होगा या इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक में जो यस लगा है, उसको हटा देंगे इकोनॉमिक आर अ गुड सब्जेक्ट होगा क्या होगा कमेंट सेक्शन में मुझे आपके आंसर का इंतज़ार है सभी क्वेश्चन आई होप कि आपको अच्छे से क्लियरली से दिख रहा होगा अगर समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अभी तक आप लाइक नहीं कर पाए तो भाई मेरे रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक कर दीजिए और पहली बार हमारे साथ विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आपको ऐसे ही एग्जाम्स के पहले आपके ग्रामर की ऐसी तैयारी हम आपको कराते रहें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ और ट्वेल्थ जो लास्ट क्वेश्चन है आपका एलेवेंथ और ट्वेल्थ इसको एडियम्स है जी एडियम्स में क्या है कि आपको इसे वाक्य प्रयोग करना है और रेड लेटर डे बाई लिप्स एंड बाउंड अब इसका पहले तो इंग्लिश में ही इसका मीनिंग बताना है फिर इंग्लिश में आपको इसे एक्सप्लेन करना है जैसे अगर बात कर ले हिंदी में लोकोक्तियाँ और मुहावरे नौ दो ग्यारह अर्थ होता है भाग जाना वाक्य प्रयोग क्या हो गया पुलिस को देखकर चोर नौ दो ग्यारह हो गए है ना जी ऊट के मुंह में जीरा अर्थ हो गया अधिक खाने वाले को थोड़ा भोजन इस तरह से इंग्लिश में से इडियम्स एंड फ्रेजेस के नाम से जाने जाते हैं तो अ रेड लेटर डे अगर नहीं आ रहा है तो भाई हम आपको बता दें स्वर्णिम दिवस एकदम यादगार दिन बाई लिप्स एंड बाउंड दिन दुनी रात चौगनी ये दोनों का अर्थ है तो आई होप कि आप लोग मुझे इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर भी ज़रूर बताएंगे बताएंगे ना जी बिल्कुल बताइएगा और ये पूरे ट्वेल्व क्वेश्चंस हैं आई होप कि आप लोग इन सभी ट्वेल्व क्वेश्चंस के आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और यदि आप लोग को ऐसे ही ग्रामर की तैयारी करने के लिए अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा ठीक है जी तो एक बार हम आपको शुरू से सभी क्वेश्चन को दिखा देना चाहते हैं ताकि आप आराम से जो है आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हो तो वन से लेकर कर तक अगर आप चाहो तो इसका, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं ताकि आप मुझे आराम से बैठकर बाद में भी इसका आंसर दे सकते हैं वन से लेकर सेवन तक का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एट से एट से पूरे ट्वेल्थ तक तो आपको क्वेश्चन नंबर फाइव से ट्वेल्थ तक पूरे अच्छे से क्लियरली दिख रहे होंगे तो आप इसका स्क्रीन ले लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा ठीक है दोस्तों और आज हम बात किए इंग्लिश ग्रामर को लेकर इंग्लिश ग्रामर में हमने नरेशन का वॉयस का डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन का और इसके साथ सिंटेक्स की भी हम बात किए आप लोग से ठीक है तो जाने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करते जाइएगा अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर भी अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए घंटी बजा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दिया गया है आप वहाँ से हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आई होप कि आज की क्लास आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो थैंक्स है और अभी तक वीडियो देखने की भावनाओं में डूब गए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए तो आज की क्लास को आज के सेशन को यहीं पर करते हैं द एंड मिलते हैं नेक्स्ट डे और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ तो थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद जय भारत